दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम रिलेटेड में। मैं हूं अरुण कुमार। यहां पर आज हम उत्तर प्रदेश के उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 4 जनवरी 2020 को हुआ था। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराया गया था जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम। ठीक है, तो वहां पर उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन पेपर था इसमें टोटल 130 क्वेश्चन थे, जिसमें से जीएस के पोर्शन में अगर देखा जाए, जनरल स्टडी के पोर्शन में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और हिंदी से पूछे गए थे 60 क्वेश्चन, और साथ ही यहाँ पर 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवल और केवल जीएस प्लस हिंदी को। उसके बाद जो रीजनिंग वाला वीडियो है उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले मैं बता दूं, इसमें जो टोटल क्वेश्चन रहे हैं 130, इनका टोटल मार्क्स है यहाँ पर 65 मार्क्स के हैं अधिकतम नंबर, और 0.5 का यहाँ पर सही जवाब रहेगा। ठीक, 0.5 नंबर का, यानी कि आधे नंबर का यहाँ पर सही जवाब रहेगा। ठीक, और 25% काट लिया जाएगा एक नकारात्मक के लिए, निगेटिव के लिए काटा गया। तो काफ़ी लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, किस किस का सही जवाब रहा है और किसका नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीके को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की हिंदी को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जीके का जो क्वेश्चन है, देखते हैं कहाँ से स्टार्ट है यहाँ पर। तो जीके वाले जो क्वेश्चन है वहाँ उनको हम देखते हैं कौन कौन से पूछे गए हैं और कौन से का सही जवाब क्या है, आपने क्या लगाया है आप कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही आपके कितने सही जवाब रहे हैं वीडियो के लास्ट में भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है ना, और बाकी जो क्वेश्चन अभी हम चलने वाले हैं, क्वेश्चन को देखने वाले हैं, उनको भी आप आगे आगे हमारे साथ देख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं क्या सही जवाब रहेगा इसका। ठीक, और जो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हो जाएंगे जो शायद हो सकता है किसी वजह से गलत हो जाए। ठीक, मेरी वजह से, मतलब मेरी तरफ से गलत हो जाए, तो उसको भी आपको कमेंट करके सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब ये है, ताकि मैं उसको पिन करके बता दूँ कि सभी लोगों को वो पता चल जाए। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो उसको डिस्कस हम कर लेंगे आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। मैं अरुण कुमार, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एसोचेम की ये बात चल रही है, तो उत्तर प्रदेश में कब की गई थी दोस्तों? 1994 में की गई थी, 1994 में की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में डेस को प्रोत्साहित करना है। मैं आपको बता दूं, जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी लास्ट में, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, और ये फिर से आपका रिपीटेड एग्जाम में, मतलब एग्जाम में फिर से पूछ लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? डिजिटल, एक मिनट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक जिला एक उत्पाद की यहाँ पर बात चल रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वदेशी और विशेष उत्पाद प्रोत्साहित इसको करना था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्र के संवर्धन हेतु डैश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ हस्ताक्षर किया है आपको बताना है, तो अमेजोन के साथ यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया। करंट के क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में डैश विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। कितने क्षेत्र विद्यमान हैं जो आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका 19। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश डैश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। 2018 का आयोजन किया गया था कृषि कुंभ का, वो कहाँ किया गया था दोस्तों? गोरखपुर में किया गया था, ध्यान रखना है आपको, गोरखपुर में किया गया था। ठीक, और जबकि इसका जो सही जवाब, मतलब जो कुंभ का आयोजन किया गया था वो प्रयागराज में किया गया था। कृषि कुंभ की बात चलिए, एक सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। आप तो डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको आप बताइएगा कमेंट करके सही जवाब क्या है, क्वेश्चन डाउटफुल है। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी, तो किसके प्रचार के लिए की गई थी कन्या सुमंगला की योजना, ये आपको बताना है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक के लिए यहाँ पर की गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में डैश हेतु सबरी संकल्प अभियान को की शुरुआत की गई थी, तो सही जवाब है दोस्तों इसका कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी संकल्प की स्थापना की मतलब शुरुआत की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। किशोरी बालिका योजना वर्ष डैश में दिनों के लिए कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 300 दिन की बात यहाँ पर चल रही है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को डैश स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन से स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है पीएम किसान निधि का लाभ लेने के लिए? ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसका आप कमेंट करके बताइए क्या सही जवाब है, जल्दी बताइए कमेंट करके, उसको भी हम बाकी लोग देख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
डैश उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानी तथा गाथा गीत का नृत्य नाटक है। गाथा गीत का नृत्य नाटक है दोस्तों, मैं बता दूं ये जो सेट चल रहा है बी ए सेट चल रहा है, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे रहे होंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को देख के आप उसको सही जवाब मान सकते हैं कौन सा इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्वांग। अगला सवाल देखते हैं। हरदोल कथा विशेष रूप से डैश के लोक गीत हैं जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। ध्यान रखना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात चल रही है, तो दोनों दोनों में फैले हुए हैं कौन से हरदोल कथा, तो वो किसके हैं? बुंदेलखंड के हो जाएंगे, नॉर्मल सी बात है जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की बात चल रही है ना। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। डैश उत्तर प्रदेश में बिहार का बारिश के मौसम एक लोकप्रिय मनोरंजन है, तो कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा झूला। अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? 17-18 की बात चल रही, देखिए 17-18 के आंकड़े पूछे गए, कितना ही डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला स्थान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। डैश क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया है, तो दुग्ध की बात चलिए तो सिंपल सी बात है श्वेत क्रांति रहेगा इसका आंसर, तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन का वेरिएंट बना रहता है, कोई हार्ड कोई टफ, यानी कोई टफ रहता है तो कोई इजी भी रहता है, ठीक है। वर्ष 2019 में चाय की किस कंपनी ने भारत में अभी तक सबसे महंगी चाय की पेशकश की है? तो सबसे महंगी चाय की पेशकश की है वो किसने की है दोस्तों, जल्दी बताएंगे। ये हो जाएगा टी बॉक्स ने की है, ठीक। एक चीज़ और बता दूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन है थोड़ा हार्ड है हो या मतलब टफ हो या थोड़ा इजी हो, वो सभी के लिए बराबर है ना, सभी के लिए एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा कुछ भी मत मन में मत रखा करो कि क्वेश्चन पेपर टफ था, वो सभी के लिए था, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, तैयारी करते रहना है। जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री चुना गया है? मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको लिखाई भी थी करंट वाले क्वेश्चन, उसमें लिखाया था बोरिस जॉनसन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कौन टूर डी फ्रांस 2019 का विजेता है? तो टूर डी फ्रांस का 2019 का विजेता कौन है आपको बताना है, तो हो जाएगा दोस्तों ईगन बर्नेल, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। किस राष्ट्र ने 2019 विश्व जल क्रीड़ा प्रतियोगिता वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया था? तो किस राष्ट्र ने किया था ये आपको बताना है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? 2019 की बात की तो मुंबई शहर में सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर जिसके कितने घटकों में विभाजित किया गया है? दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, शिफ्ट फर्स्ट का, और जो एग्जाम शिफ्ट टू था उसमें पूछा गया था कि जीएसटी को कब प्रभावी बनाया गया, ठीक है। तो जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गए, तो कितने घटकों में विभाजित है ये आपको यहाँ पर सही जवाब बताना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा चार घटकों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था, तो कब किया गया था ये आपको बताना है, तो हो जाएगा इसका बिल्कुल 1969 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कराधान कानून ना संशोधन अधिनियम 2017 ने डैश से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है, तो किसको किया है ये आपको बताना है, तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इसका जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर। अगला सवाल देखते हैं। 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस राज्य की है ये हो जाएगा महाराष्ट्र, जैसे मुंबई शहर आया था तो महाराष्ट्र में पड़ता है ना। अगला सवाल देखते हैं। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो किस राज्य ने की थी आपको बताना है, तो 2000 ये की थी, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान ने की थी सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर संविधान के डैश संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया है, तो आर्थिक आरक्षण पारित किया गया दोस्तों कौन से संविधान में किया गया था? 103 के संशोधन तहत किया गया, ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ष ने संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था? तो 1951 में किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है और ये आपको यह ध्यान में भी रखना है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच रही हैं? तो महिला सरपंच कौन रही है आपको बताना है, तो हो जाएगा दोस्तों छवि राजावत, छवि राजावत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर डैश भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, तो कौन सा डैश है? थोड़ा टफ लेवल का एग्जाम आ गया, तो केरल इसका सही जवाब हो जाएगा, डिजिटल वार्ड है, मैंने लिखाया भी है इस क्वेश्चन को, पढ़ाया भी है आपको, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है आपको बताना है, तो जाएगा दोस्तों अनाई मुड़ी।
पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर। ठीक, एक चीज़ और आपको बता दूं, करंट की अगर आपको वीडियो देखनी है डेली, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है ना, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो सही जवाब है दोस्तों इसका, पीर पंजाल पर्वतमाला। पीर पंजाल पर्वतमाला जो है वो सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, डैश यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं, तो कौन सी है ये आपको बताना है दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा इसका डंस, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डंस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर डैश प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तर भाग में, उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है, तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, प्रायद्वीपीय पहाड़ पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ये आपको बताना है। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्कन ट्रैप इसको बोला जाता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, चिलिका झील ओडिशा राज्य में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, के दक्षिणी ओर स्थित है, तो इसके दक्षिण ओर कौन स्थित है, चिलिका झील के दक्षिण में कौन स्थित है, ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, महानदी डेल्टा, महानदी का डेल्टा है वहां पर जो दक्षिणी दक्षिण में स्थित है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था, तो कौन से वर्ष में किया था ये आपको बताना है। तो हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1829 में किया गया था। वर्ष डैश में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस की आनंदपुरम साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा की नींव रखी थी, तो देखिए गुरु गोविंद सिंह की जयंती 550वीं भी रही है, तो उसके उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो कौन सा है इसका सही जवाब, ये आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से फटाफट इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1884 में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी, को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से डैश प्रकाशित किया जाता था, तो सही जवाब क्या हो जाना है आपको ये बता देना है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जीडी कुमार। थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक है शिफ्ट सेकंड में थोड़े क्वेश्चन सही थे। अगला सवाल देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, तो कौन से वर्ष में आप ये बने हैं आपको बताना है, 1938 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है जीएस वर्ल्ड का, वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्टुअर में पुर्तगालों को पराजित किया था, क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1612 में किया था। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम हिंदी को, हिंदी का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या पूछ रखा है आपको बताना है, देखते हैं हिंदी कैसी यहाँ पर आ रखी है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दुर्लभ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दुर्लभ उसे कहा जाता है जो मुश्किल से प्राप्त हो। अगला सवाल है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं, क्या कहा जाता है, अवसर अगर है तो वो अवसर के अनुरूप बदल जाता है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों अवसरवादी। ठीक है, अवसरवादी स्थिति के अनुसार अगर बदल जाए तो यथास्थितिवादी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला सवाल है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भवेत्ता कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, देखिए मेरा ही नाम है अरुण, ध्यान रखना है, तो अरुण का समानार्थी नहीं है, तो कौन सा बताना है, बिंबाफल समानार्थी नहीं है दोस्तों, कुमकुम जो है वो अरुण का समानार्थी है, सूर्य का सारथी अरुण का समानार्थी है, और सूर्य अरुण का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है सूर्य का सारथी। ठीक है, सूर्य का सारथी कौन होता है, लालिमा। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, तो उच्च क्या नहीं है, बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा अलग अलग चीज़ होगी, उच्च एक अलग चीज़ होगी, टीला श्रेष्ठ उठा हुआ वो सब उच्च है लेकिन बड़ा नहीं है। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है, तो कनक कनकते कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वो वाला आपको ध्यान रहेगा ना। तो अगला यहाँ पर सवाल क्या सही जवाब हो जाएगा इसका, मक्का, सोना जो है वह कनक है, धतूरा कनक है, और गेहूं भी कनक है लेकिन मक्का कनक नहीं है, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो ये आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष्य यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कोवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है, तो कोवा के अंत में ई लगा देते हैं, कोई हो जाता है, कोवा के अंत में आनी लगा देते हैं, कोवानी, कोवा के पहले स्त्री लगा देते हैं,
या कोवा के पहले मादा लगा देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, मादा कोवा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो मंत्री क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए कई लोग सोच रहे होंगे उभय लिंग हो सकता है, लेकिन नहीं, ये नपुंसक लिंग हो सकता है। ठीक है, मंत्री कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं है केवल पुरुष होना जरूरी है, स्त्री होना जरूरी है, या फिर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। अगला देखते हैं, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं आपको बताना है, जो अपवाद हैं दो उनको अलग छोड़ना है, तो हो जाएगा पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? अगर हम स्त्रीलिंग शब्द में मतलब प्रत्यय लगा दें तो वो पुल्लिंग बन जाता है, तो वो कौन सा बना है आपको बताना है, तो हो जाएगा यहाँ पर भेड़ा, भेड़ा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो कितने वचन होते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया है, तो दो वचन होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया है वो केवल सीधे सीधे ये पूछ लिया है कि बताइए मैं का बहुवचन क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया है, लेकिन बात वही पूछी रखी है। ठीक, अगला देखते हैं, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो इकारांत शब्द को अगर बहुवचन बनाना है तो क्या करना होगा, ये इसने पूछ रखा है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों अंतिम स्वर के बाद यहाँ लगा देते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं आपको बताना है, हो जाएगा दोस्तों हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। अगला देखते हैं, कूलन में, केली में, कच्छारण में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलिन कलंकत है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये आपको बताना है, जल्दी बताएंगे फटाफट से, इसका हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक, अगला देखते हैं, यहाँ पर सवाल क्या क्या रखा है, माला फेरत जुग भया, फेरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो बड़ा ही अच्छा मतलब इंटरेस्टिंग दोहा है, और इसमें अलंकार इसने पूछ रखा है, तो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताइए जल्दी फटाफट, कमेंट करके कमेंट कीजिए और बताइए क्या इसका सही जवाब हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही बता पाते हैं। अगला देखते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का मतलब क्या है, अर्थ क्या है इस धर्म का, इसने यहाँ पर पूछ रखा है, तो हो जाएगा सत्कर्म। अगला देखते हैं, तरणी तनुजा तट तमाल, तरुबर बहु छाए, झुके झुके कुल सो जल परिसन, हित मनुहु सुहाए, इस कविता में दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसने ये पूछ रखा है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण में कौन सा समास है जल्दी बताएंगे, अव्यय भाव समास है आमरण में। ठीक है, अव्यय भाव समास आमरण में हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, जल्दी बताएंगे द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो दोनों पद प्रधान रहते हैं द्वंद्व समास में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अगला देखते हैं, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुक्ति का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो जल्दी से फटाफट बताइएगा इसका क्या सही जवाब है, सु प्लस उक्ति, सुधन उक्ति इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए संधि विच्छेद से काफी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, अगला क्वेश्चन भी संधि विच्छेद है नरेश का, तो बताइए क्या हो जाएगा, नरेश का हो जाएगा नर प्लस ए, नर प्लस ए। अगला पूछा है तथैब का संधि विच्छेद, तथैब का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तथा प्लस एब यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या पूछ रखा है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। नाभिक का सही संधि विच्छेद, ये क्वेश्चन उसमें भी यानी कि सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया है और फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया, दोनों एग्जाम्स में ये पूछा गया है, तो हो जाएगा 9 + 1। ठीक, अगला देख लेते हैं यहाँ पर, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताएंगे फटाफट से, दिक् प्लस अंबर। ठीक, अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस उल्लंघन, उत प्लस लंघन। ठीक, अगला देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, क्या ये सही है, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाते हैं, बाल पक जाने से लोग अनुभवी होता है, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका, हो जाएगा बाल पक जाने से कोई अनुभव ही नहीं हो जाता, ये थोड़ा सही लग रहा है। अगला देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन फिर से, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, शुद्ध वाक्य कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले
खुले पैसे देने की कृपा करें तो हो जाएगा, कृपया करके, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, चिड़िया ने दनादन पांच दाना चुग गई, चिड़िया दनादन पांच दाने चुग गई, चिड़िया दनादन पांच दाना चुग लिए, चिड़िया दनादन पांच दाना चुग गई, तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब, बताइए फटाफट। तो हो जाएगा चिड़िया दनादन पांच दाने चुग गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, भारत में चंद्रयान टू लॉन्च किए गए हैं, भारत ने चंद्रयान टू लॉन्च की है, भारत ने चंद्रयान टू लॉन्च किए हैं, भारत ने चंद्रयान टू लॉन्च किया है, तो कौन सा हो जाएगा जल्दी बताएंगे फटाफट। तो हो जाएगा भारत ने चंद्रयान टू लॉन्च किया है, इसरो के अध्यक्ष के सिवान इसरो ने किया था। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन करके बताना है आपको कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब, बताइए जल्दी फटाफट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य बताना है फिर से। 35 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। तो ये तो उम्मीद है आप लोग करके आए होंगे, काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखे हैं, ज़्यादा समझने वाली कोई बात ही नहीं है। अगला पूछ रखा है, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो आदमी बन जाओ भाई, अब क्या तुम आदमी बन जाओ, बहुत दिन हो गए तुम्हें जानवर बने बने, है ना, तो वो चीज़ है। तो क्या पूछ रखा है यहाँ पर बताना है आपको, अच्छा व्यवहार सीखना, ठीक है, आदमी जैसा दिखना नहीं, किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना बिल्कुल ही नहीं, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना तो बिल्कुल ही नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर अंडरस्टूड हैं चीज़ों को लेकर, समझ पाएंगे, अच्छा व्यवहार सीखना यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मतलब आँख खुलेगी सुबह उठ के वो वाला, ये ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिरा होना, लज्जा दूर होना, तो हो जाएगा इसका ज्ञान होना। अगला सवाल देख लेते हैं, नेकी कर दरिया में डाल लो, कुख्याति का उपयुक्त अर्थ क्या है, नेकी करे जाओ दरिया में डाले जाओ भैया, क्या जवाब हो जाएगा इसका जल्दी बताएंगे फटाफट से। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, उपकार की, हमने उपकार करा और उसको बार बार नहीं कहना, ताने नहीं मारने की, भाई मैंने तेरे साथ ये काम किया था तू मेरे साथ ऐसे करेगा, मतलब उपकार करके किसी को बार बार नहीं बताना है कि भाई तेरे साथ मैंने उपकार कर दिया, तो उपकार करके भूल जाओ, ठीक, वो बेटर होता है। तो नेकी कर दरिया में डाल, ये वाला इसका मुहावरा हो जाएगा। बढ़िया, चिराग तले अंधेरा, चिराग जहां जल रहा उसी के नीचे अंधेरा है, तो मतलब क्या है, दूसरे लोगों को ध्यान रखना, निकट के दोस्त को ना देख पाना, अपने आसपास की परवाह ना करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, तो कौन सा हो जाएगा इसका जल्दी बताएंगे फटाफट से। निकट के दोस्त को ना देखना, जो पास में दोस्त है उसको हम देख नहीं रहे हैं, बाकी सब जगह देख रहे हैं, अरे कहीं भी चांदना, मतलब कहीं भी अंधेरा नहीं है और जहाँ हमने चिराग जला रखा है वहीं अंधेरा हो रहा है। आसमान से गिरा खजूर पर लटका अटका, सॉरी, औकुक्ति लोकुक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों एक नई मुसीबत में पड़ना, ठीक है, एक नई मुसीबत में पड़ना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, तो किनारे लगना किसी भी चीज़ का, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किसी कार्य का समाप्त होना, एंड हो जाना, जैसे होता है ना नाव चल रही है बहुत देर से और उसके बाद वो किनारे लग गई तो मतलब काम खत्म हो चुका है। अगला देखते हैं, उथला शब्द का विलोम क्या है, उथला, उथला क्या होता है दोस्तों, उठा हुआ होता है ना, तो 42वां इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, गहरा, उथला हुआ, एक उठा हुआ और दूसरा गहरा है। अगला देखते हैं, स्वर्ग शब्द का विलोम है, तो स्वर्ग का विलोम क्या है दोस्तों जल्दी बताएंगे, नर्क, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसने पूछ रखा है। अगला पूछते हैं, देखते हैं, राग शब्द का विलोम क्या है, राग है किसी चीज़ का तो उसका विलोम क्या हो जाएगा जल्दी बताइए फटाफट से, बी राग, अनुराग नहीं होगा ध्यान रखना है, बी राग यहाँ पर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, वेट, क्वेश्चन है, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है, तो सूक्ष्म क्या होता है, बहुत बारीक होता है ना, सूक्ष्म शब्द का विलोम तो बारीक तो हो नहीं सकता, स्थूल छिड़ पतला क्या हो सकता है बताइए जल्दी फटाफट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, स्वाधीन शब्द का विलोम है, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराधीन, सन्मार्ग शब्द का विलोम है ऑप्शन नंबर डी कुमार्ग, सन्मार्ग कुमार्ग, घृणा शब्द का विलोम है ऑप्शन नंबर, घृणा क्या है, मतलब किसी चीज़ से हम घृणा कर रहे हैं और दूसरा उससे क्या कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है, 49वां क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, अचल, अचला, गिरी, आद्र, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अचला। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या हो जाना है, नहीं पूछ रखा है, जलद तोयज धन अभ्र, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए फटाफट से बताइएगा, तो हो जाएगा अभ्र यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो गया, ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है आपको बताना है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बारिद, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछ रखा है इसने, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर, कितना सिंपल इसने क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है, तो वो हमें बताना है, हो जाएगा क्या हिमकर। देखिए हिम से मतलब क्या है, बर्फ है ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ब्लॉम हो गया, पर्यायवाची तो है ही नहीं है ना। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब क्या है, पर्यायवाची है। अगला सवाल है, कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चंचरी, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो हवा, हवा, अनिल, अनिल, पवन, समीर, ठंडी हवा जो चलती है उसको समीर बोलते हैं ना, तो पर्यायवाची नहीं इसने पूछ रखा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनिल। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो आंख का अचि, नयन, दृग, दुर्गम्बु, तो कौन सा हो जाएगा इसका बताइए फटाफट से, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दृग्गम्बु, यहाँ पर इसका पर्यायवाची नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम पूछ रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा चैत, यहाँ पर तत्सम नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, 57वां, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? फिर से तत्सम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरक। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? फिर से वही बात पूछ रखी है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुहूप, यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा बताइए जल्दी फटाफट, तो हो जाएगा क्षमा, तत्सम नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? क्वेश्चन चेंज कर दिया, ध्यान रखना फिर से वही, उसमें फिलोम में मत बह जाना और आंसर गलत मत लगा देना, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेवला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तद्भव नहीं है। तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों आपके, जो कि आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हिंदी से क्वेश्चन यहाँ पर थे। उसके बाद है रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग का मैं पूरा एक सॉल्यूशन वाला वीडियो आपको लिए अवेलेबल करा दूंगा, इसमें रीजनिंग अगर हम करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आने वाला, तो आंसर के साथ साथ सॉल्यूशन भी हो जाएगा उसका, नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप फटाफट से जाके देख लीजिएगा। ठीक, फिलहाल देखते हैं इन क्वेश्चंस को और आपको कितने सही जवाब गए हैं उनको आप कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी का शिफ्ट सेकेंड में पेपर था तो वो हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और अगर शिफ्ट फर्स्ट में पेपर था तो वो इसी वीडियो को देख के एनालाइज कर सकते हैं अपने पेपर को, कि हमने कितना सही करा है, अगर ध्यान में है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लिंक जो आंसर की है वो आपको मिल ही जाना है, समझ गए। तो मैं हूँ अरुण कुमार, आप देख रहे थे एग्जाम रिलेटेड, सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, अगर आपको बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर का भी वीडियो आपको यहाँ पर मिलता है, बाकी एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जाता है। मैं हूँ अरुण कुमार, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड लक।